नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए C.tet का जूनियर लेवल का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पत्र हल लेकर आई हूँ। ये प्रश्न पत्र देखकर आपको प्रश्नों का अंदाज लगेगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि C.tet में 6 to 8 किस तरह से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा दूसरा, शिक्षक विद्यार्थी के चिंतन की प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ये तो शायद सभी लोग जानते होंगे कि बाल बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन होगा पहला। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसका उत्तर होगा पहला। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा पहला। दोस्तों, जितना कि मैंने अभी तक के प्रश्न पत्रों में देखा है, वो चाहे जूनियर लेवल के हो या प्राइमरी लेवल के, पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरीज को डिटेल में बता दूंगी। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए सक्सेस गुरु मंत्रा। आगे देखते हैं, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती अपने पिता को बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञा क्यों नहीं मानती हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा पहला, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा ए और सी, चौथा ऑप्शन। आकलन से संबंध विद्यार्थियों को ये सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। और आकलन केवल स्मरण की शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, तो इसका ऑप्शन होगा पहला, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता के को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। समीप दुराभिमुख सिद्धांत, इसका होगा सरल से जटिल की वृद्धि और वृद्धि। सिरह पदाभिमुख दिशा, तो ये होगा सिर से पैर का क्रम। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, इसका होगा बच्चों के विभिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अगला व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका होगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे पर को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम समवयस्कों से सीखना, तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, ABC यानी भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देके बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों का प्रयोग करके और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर पर तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और
छुओ मत तथा छुओ तथा अनुभव करो वाले श्राम प्रश्न का सूचना पट का प्रयोग करती है, तो वह किस वर्ग विशेष वर्ग के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूर्व कर रही है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकता की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास कर रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं जो? इसका उत्तर होगा तीसरा, जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा बी और सी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनके शिक्षण के तरीके में शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो या जिसमें उनकी सार्थकता हो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन थ्री। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका होगा तीसरा, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण तथा विभिन्न विधियां प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम करने हेतु शिक्षक के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा पहला, कि वह शिक्षार्थी को सिखाना कि वह किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान में कौशल प्राप्त करें तो विद्यार्थी ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें? इसका उत्तर होगा चौथा, जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना आए। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। इसका उत्तर होगा तीसरा, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ए बी सी डी, यानी ये चारों तत्व ही अधिगम को प्रभावित करते हैं, शिक्षार्थियों का उत्प्रेरण, विद्यार्थियों की परिपक्वता, शिक्षण योग्यता, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसका उत्तर होगा दो, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, निजी अनुभवों के ज्ञान से संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, शिक्षार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, ऑप्शन फोर, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, क्योंकि विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है कि एकदम ठीक ठाक उसका मापन कर लिया जाए। अगला का क्वेश्चन है 24, वंशानुग्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्यक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा पहला, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, ऑप्शन टू, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों को में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा पहला, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। आपने देखा जीन पियाजे से कई सारे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। ये समझिए, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे आपके सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसमें ए का होगा फोर्थ संगीतात्मक का वायलिन वादक, भाषिक का होगा कवि, अंतर्व्यक्तिक का होगा चिकित्सक और स्थायिक का होगा मूर्तिकार।
तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहबर्ग ने के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, कोहबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया है, इसलिए उनके जो सिद्धांत है उनकी ज़्यादातर आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, जैसे हमने ये पेपर देखा तो हमको इस बात का पता चला कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने ये भी जाना कि ज़्यादा जो सीटेट का पेपर है उसमें वाइगोत्स्की और पियाजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं जल्द ही आपको पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।